रक्त संचार करने का काम 72,000 नारियां करती हैं। हमें तो मालूम ही नहीं भगवान ने क्या दिया है। ऐसा शरीर दिया है जिसमें 72,000 नारियां अपने आप अपना अपना काम करती है, अंदर शहर बसा हुआ है। आज हम विशेष तीन नारियों की बात करेंगे जिसे सामान्यतः आप यूट्यूब चैनल्स खोलोगे कोई उसे इंडा नाड़ी कहेगा, कोई पिंगला नाड़ी कहेगा, कोई सुषुम्न नाड़ी कहेगा। इसकी मैं आपको प्रोसेस ऑलरेडी पहले से ही करवा रहा हूं और आज इसका मैं आपको मतलब बता, मैं आपसे मूलाधार चक्र से पहले ही स्पाइन के सारे सारे में श्वास लेना सिखा रहा हूं, थर्ड आइस पे छोड़ना सिखा रहा हूं। आज वो वक्त आया है कि हम बाकी बात क्या करें। चूंकि आप मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के सदस्य हो तो मैं कोई भी ज्ञान को आपकी समझ के अनुसार आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जहां तक इस 72,000 नाड़ियों में आउट ऑफ द 72,000 देयर थ्री नाड़ीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वाइटल कनेक्शन अवर मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये तीन ब्रेन है, मान के चले ये तीन रास्ते हैं जो आपस में कनेक्टेड है और आपके अपलिफ्टमेंट में आपको हेल्प करते हैं। एवरीबडी नो दैट वी हैव द टू नोस्टल्स, है ना। हम आपको अनुलोम विलोम के माध्यम सिखाते हैं कि अभी एक बंद करें आप, उससे श्वास लें, थोड़ा ओम नमः शिवाय बोले, फिर दूसरे वाले नोस्टल से रिलीज करें, फिर उससे इनहेल करें, थोड़ा होल्ड करें, फिर एक्सहेल करें। ये हम कर रहे हैं काफी टाइम से। यस नो एवरीबॉडी अवेयर, नाउ टुडे इज द टाइम आई हैव टू एक्सप्लेन द रीजन कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपके जीवन में तीन व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। मैं पत्नी पति को भी प्रणाम करता हूं, ऐसा नहीं है, पति पत्नी भी अलग है, लेकिन प्रथम तीन रोल, एक आप चंद्रमा माता, एक पिता और एक आपका आध्यात्मिक गुरु, है ना। इस लाइफ में भाई मैंने आपको कह दिया एवरीबॉडी इज पैसेंजर, राइट। हर व्यक्ति में भी किसी, मेरी पत्नी के साथ कुछ इस जन्म का साथी हूं, जैसे कर्म करे वैसे मुझे बोल के आगे भाई ये पैसेंजर चेंज हो जाएगा, अगली बर्थ में कोई नया मिलेगा साथी। तो पर ये जो चीज है, तीन, मदर फादर एंड स्पिरिचुअल गुरु, ये तीन चीजों के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। हमारे सामान्यतः आप जब भी श्वास लेते हैं तो आप पाएंगे कि हमेशा कोई भी एक नोस्ट्रल से आपकी सांस चल रही है। कभी गेस करेंगे आप हाथ से करेंगे तो भी, इन वेरी रेयर केस कि आप कभी कोई प्राणायाम करके आए, कोई जॉगिंग करके आए, उस केस में आपके दोनों नोस्ट्रल साथ में चलेंगे। बट सामान्यतः व्हेनेवर यू आर रिलैक्सिंग मोड, इट्स ओनली वन नोस्ट्रल स्टार्ट वर्किंग, उससे सांस लेते जा रहे, दूसरा नोस्ट्रल बंद नहीं है पूरा, वो भी चल रहा है, लेकिन उतना प्रतिशत इनहेल नहीं कर पा रहा है और ना ही उतना एक्सहेल कर पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एज पर द पतंजलि एंड ऑल, द लेफ्ट नोस्ट्रल्स इट कॉल्ड इंगला ईड़ा एंड राइट नोस्ट्रल कॉल्ड पिंगला। नाउ वी आर चेंजिंग द नेम, लेफ्ट इज मून योर मदर, राइट योर फादर, राइट। यू मस्ट बी एवरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज, वी आर जस्ट चेंजिंग द नेम, श्री रमन आर द सेम एंड जस्ट वी चेंजिंग द नेम बिकॉज इट इज कंफर्टेबल फॉर यू एंड यू कैन कनेक्ट विद दैट एनर्जी। अगर मैं ईड़ा नाड़ी बोलूंगा इसको और ये कहूंगा ये बाय नोस्ट्रल से संबंधित है, इसकी ऊर्जा कोल्ड कूल है, शीतल है, राइट नोस्ट्रल्स को हम कहेंगे पिंगला, इसकी एनर्जी थोड़ी हॉट है, वही बात है। और सुषुम्ना
उसके बारे में बात मैं आपसे करता हूं आगे। तो सामान्यतः वी आर डायरेक्ट टारगेटिंग अवर नोस्ट लेफ्ट नोस्टल्स रिप्रेजेंट अवर मदर एंड राइट नोस्टल्स रिप्रेजेंट अवर फादर। तो एज पर डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट मदर रिप्रेजेंट मून राइट, तो लेफ्ट नोस्टल रिप्रेजेंट बाय द मून एंड राइट नोस्टल रिप्रेजेंट बाय द सन। ओके, तो समटाइम आई एक्सप्लेन लॉट ऑफ टाइम वेन एवर वी डू द डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स, When I feel cold, मैं अपने कपड़े भी पहन लिए, मेरे बहुत ठंड लग रही है, What I do that time? I rub my body. I can get the hot. Yes. And when I have to go earlier, my tea is very hot. My what I do? कॉम्बिनेशन ऑफ कूल एंड हॉट जो दोनों के बीच की एक मध्यमा होता है, जैसे हम फ्रिज का पानी और हॉट पानी पीकर एक नॉर्मल पानी बना लेते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि आपके लाइफ में जो आपका लेफ्ट नोस्टल है, जो मदर नोस्टल्स है और फादर नोस्टल्स है, फादर नाड़ी, एक माता नाड़ी, एक पिता नाड़ी, मदर नाड़ी एंड फादर नाड़ी, मदर इंगड़ा, मदर फादर पिंगला, दोनों का आपकी लाइफ में बहुत महत्व है। सामान्यतः अभी आगे मैं आपको रिमेडी भी दूंगा। अब आप कभी भी अपने आप को चेक करेंगे तो कोई भी एक नाड़ी आपको चलती पाई जाएगी, ओनली योर वन नाड़ी विल वर्क, यू कैन फील इट, है ना। ये आप अधिकांश लोगों ने देखा होगा, कोई भी एक नाड़ी चलती है, इन अ वेरी रेयर केस व्हेन द रिलैक्सिंग मोड, वेरी रेयर केस द बोथ नोस्टल्स स्टार्ट वर्किंग। तो यह हमारे आध्यात्मिक जगत में आज मेरे लिए चर्चा का विषय क्यों है, व्हाई वी आई एम डिस्कसिंग विथ यू, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड योर कुंडलिनी। आपकी कुंडलिनी अवेकिंग से इसका सीधा सीधा संबंध है। वो कैसे? देखिए, आपका कनेक्शन जो नोस्ट्रल्स का है, टेल बोन से है, आपको मालूम है, मैं आपको टेल बोन से आपको श्वास लेने का बोलता हूं पैरेलल एंड नोस्ट्रल्स रिलीज करने का बोलता हूं, अटेंशन ऑन द थर्ड आई। Who is on mute me again? तो आप देखेंगे जब भी आपकी लेफ्ट नोस्टल से आप इनहेल करेंगे, श्वास आएगी, लेफ्ट नोस्टल चलेगा तो आपका मन शांत होगा, धीरजता रहेगी, एक मदर एलिमेंट इन्वॉल्व रहेगा। आप दूसरे शब्दों में से बात, संपर्क शब्दों में बात। और जब भी आपका राइट नोस्टल चलेगा, वह आपको एक थोड़ा करेज देगा, हिम्मत देगा, क्योंकि मां ममता और पिता की ताकत आपका करेज का थर्ड हाउस, क्योंकि सन इज ए मेन, एक सोर्स ऑफ करेज, ए सोर्स ऑफ लाइफ। और इन दोनों को अगर आपने प्रॉपरली ब्रेथ के हिसाब से, अपने नाड़ी शोधन के हिसाब से लिया, तो इन दोनों के मध्य एक सुषुप्ना नाड़ी होती है, वह कहलाती है गुरु नाड़ी। गुरु नाड़ी जो आपके शरीर की है, वह आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवाती है, आपके टॉप ऑफ द हेड परमात्मा से मिलाती है, जिसको हम कुंडलिनी अवेकनी कहते हैं। समझ गया मेरे नामों को? लेफ्ट मदर नोस्ट, मदर मातृ नाड़ी, राइट सूर्य नाड़ी, है ना, ये आप नाम रहना। इन इंग्लिश यू वांट टू कन्वर्ट इन द कन्वर्ट ऑफ मदर एंड फादर इज वेरी सिंपल, मदर क्लब फादर क्लब, राइट। सो हमारा काम क्या है, हमें एक बैलेंस बनाना है दोनों में, कोट शीतलता और सूर्यता दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है। और जब हमने बैलेंस बनाया हमारे अनुलोम विलोम और उसके माध्यम से, तो हमारे बीच की जो एनर्जी है, जिसको हम सुषुप्ना नाड़ी कहते हैं, वो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टेलबोन
एंड हम जैसे पहले कहा आपको मैंने कि 30% हमारे बॉडी में स्लीपिंग मोड में एनर्जी रहती है, बाकी 70% तो हमारी पान वायु अपान वायु वर्किंग में रहती है, 30% बॉडी में हमारी स्लीपिंग एनर्जी रहती है जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं। बट ये जो सोर्स ऊपर आता है वह सुषुप्ना नाड़ी कहते हैं, इट्स कॉल्ड गुरु नाड़ी। अभी आपको नामों में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? देयर इज नो डिफरेंस इन द नेम्स। यस, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो ब्रेथ चलती है वह चंद्र नाड़ी, और राइट से चलती है मून नाड़ी। अब इसका एक लॉजिक समझना, सामान्यतः 15 डेज टुवर्ड नो मून, फर्दर 15 डेज फुल मून, यस 15 दिन जो रहते हैं मंथ के नो मून की तरफ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, है ना? एंड जो फुल मून की जाते हैं पूर्णिमा की ओर उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, है ना? तो जब हम फुल मून की रहे, अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करूंगा, आप तो नहीं, तो हम आज मैजिक देखेंगे हमारी दोनों नाड़ियों के माध्यम से हमें काम क्या है। जिस प्रकार एक आपने वो पट्टा देखा हुआ चलते हुए, एक चक्की जब रहती है एक पट्टा डाल देते बीच में वो चलता है, वो उसके कारण वो पहिया ऑटोमेटिकली चलता है, साथ एक मशीन कि एक तरफ पट्टा लगा वो पट्टा घूमता तो दोनों पहिए ऑटोमेटिकली घूमते हैं, जबकि पहियों को घुमाने कोई नहीं, बस पट्टा ही रोल प्ले करता है। तो व्हेन आवर एनर्जी फ्रॉम मदर नोस्ट्रिल्स टू फादर नोस्ट्रिल एंड क्लियर, ऑटोमेटिकली योर एनर्जी विल कम अपलिफ्ट, सुषुम्ना गुरु नाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली कवेगी और वहां रुकेगी जहां पर आपके चक्रा में ब्लॉकेज है। It will stop where your chakras blockage. We are normal human being. We are connected with the material world. We are not sant. We are not sadhu. We are not on the Himalaya to doing the sadhana. But if we are not more than them, so we are not less than them. अगर हम उनसे बड़े भी नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनसे छोटे भी नहीं हैं। तो आइए आज हम हमारी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर की नीचे की जो टेल बोन में स्लीपिंग मोड में जो एनर्जी रहती है उसको हम अपलिफ्ट का काम करें। मैं आज केवल आपको अवेयर कर रहा हूं उस नॉलेज से, आज के याद में नहीं होगा लेकिन आपको पता लगे। इसी कई रिमेडीज है कि आपको घर से बाहर निकलते वक्त आप कर रहे तो आप अपना राइट कदम आगे रखें। कई केसेस में अगर आप ये चेक करें आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है उस नाड़ी, तो वो नाड़ी का पेट, बाकी मैं ये बात बाद बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं पहले कंसेप्ट पे आऊंगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हिडन मेथड व्हिच हैज बीन ऑफर्ड बाय आवर ऋषि एंड मुनीस, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी। अभी तो हम हमारे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल पे ध्यान देंगे, है ना? और अगर हम स्थिर मोड में, इफ यू आर इन द स्टेबल मोड, रियली यू कैन फील इट। अब देखिए हमने अष्टांग योगा में यम और नियम पढ़े थे, बाहरी दुनिया से मुक्त हो जाओ कुछ पलों के लिए, बाकी उसके बाद आप अपनी लाइफ को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला यम और नियम के बाद क्या है, आसन। तो आसन में सबसे बड़ा पहला पॉइंट क्या था, आसन का मेन स्थिर सुखम आसनम, आपका शरीर स्थिर रहेगा, शरीर स्थिर आसन लगाने के बाद श्वास भी स्थिर फिर शरीर स्थिर, वह कहलाएगा आसन। क्लियर? तो हम आज आसन भी करेंगे, आसन के साथ हम प्राणायाम भी करेंगे, और उस प्राणायाम के साथ हम आज से यात्रा शुरू करेंगे। हम पहले ही कर चुके हैं लेकिन आज आपको लगेगा हम आपको ये जो नाड़ी शोधन हम बोलते हैं जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, हम अल्टरनेट चैनल से इनहेल एक्सहेल बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, ये आज आपको प्रिंट हो गएगा और यू विल फील इट लिटिल बिट 0.001%
कि समथिंग इज देयर इन माय टेलबोन स्पाइन हु स्टार्ट वर्किंग आर गेटिंग ए वाइब्रेशन एंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग द प्रोसेस सो यू मस्ट बी फील 100% क्लियर ओके क्लियर अभी यहां तक मैंने जो आपको बताया किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है क्या टिल नाउ हियर आई एक्सप्लेन अगेन दोज आर अटेंडेड लेट इन द आवर 72,000 नाड़ी इन द बॉडी बट मेन थ्री नाड़ीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ वन लेफ्ट नोस्टल्स राइट नोस्टल्स लेफ्ट नोस्टल्स इज कॉल्ड ईड़ा नाड़ी राइट नोस्टल्स एनर्जी इज कॉल्ड पिंड नाड़ी एंड इन आवर डिवाइन एस्ट्रोलॉजी लेफ्ट इज अ मदर राइट इज फादर राइट एंड फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ इन द सेंटर ऑफ आवर टेल बोन वन एनर्जी वर्क फ्रॉम इन स्पाइरल वे इज कॉल्ड सुषुम्ना नाड़ी इज कॉल्ड गुरु नाड़ी So what is our focus? With the help of mother and father, we enlighten our Guru Nadi toward the God. Clear? देखिए आप कभी पंडित बोलता है आपको पितृदोष है ना बोलता है ना पितृ और खबर आ जाता है पितृदोष कोई नहीं जैसे मेक ए बैलेंस दिस मदर इज रिप्रेजेंट मून फादर रिप्रेजेंट सन फादर प्रोवाइड यू करेज मदर प्रोवाइड द माइंड काम एंड क्वाइट क्योंकि आपका मदर आपका मून एलिमेंट आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और 70% बॉडी में वाटर है शरीर में पानी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप बनने जाएंगे ऑटोमेटिकली ऑल विल बी कम इन नॉर्मल मैं आपको कोई ऐसी प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि आप टोटली इनर वर्ल्ड में अटैच हो जाए नो आई विल बी इन ए सच पोजिशन where you can enjoy though your both world aap bahari duniya mein bhi aur andar duniya ko bhi aap enjoy kar sakte hai na to abhi hum ek kaam karte hain aap just watch me mujhe dekhiye aap hai na ab ye aapko mere mirror hone ke karan mujhe mera ulta lagega aapko mera ye left hand ye hai mera right hand ye hai right so you check your left hand right side apna left nostril right nostril aap check kar le hai na उसके बाद हम एक आसन कराएंगे आपको मैं बता रहा हूं ये तो प्राणायाम कराएंगे उसके बाद ये दो फिंगर्स है जो दो फिंगर्स ये काय काय किए कौन कौन से एलिमेंट किए एयर एलिमेंट की और इसका एलिमेंट की राइट एयर और इसका है ये दोनों को आपको अपनी थर्ड आईज पे रखना है क्लियर अब क्या होगा दो उंगली आपकी फ्री है इधर और ये आपका थंब फ्री है राइट तो सबसे पहले आप लेफ्ट नोस्टल से सांस लेंगे तो यू कवर्ड योर राइट नोस्टल्स आपने राइट नोस्टल कट कवर किया और दो फिंगर फ्री है और आपने ये आप मून से आपकी मदर नाड़ी से आपने श्वास लेना चालू किया अटेंशन ऑन द टेल बोन थिंक दैट यू आर nostrils are in a place of navel area, not tail of bone. आपके टच पॉइंट पे जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर है ठीक है वहां पर मींस आपका लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन है ना ये दो फिंगर यहां पर एक आपका अंगूठा इधर और एक आपके जो दो फिंगर है इसको इससे दबाना अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं करके यहां पर मेरा ध्यान रहेगा अभी मैं आपको स्पाइन स्ट्रेट करवा दूंगा आपकी धीरे से अपना ध्यान अपना टेल बोन पर रहेगा पूरी आपको कल्पना कर रहे हैं कि टेल बोन पर ही मेरे नोस्टल्स हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्पाइन स्टार्ट इनहेलिंग विद द पैरेलल स्पाइन आपका श्वास नोस्टल से ही आ रहा है लेकिन आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आप नीचे से श्वास खींच रहे हैं राइट लाइक दिस When your breath is over, cover this left nostril, really right nostrils, and chant, Om Namah Shivaya.
एंड रिलीज द बाय राइट नोस्टल, वहीं से जहां आपने लेफ्ट पोर्शन के स्पाइन से आपने श्वास ली थी ऊपर तक आके ओम नमः शिवाय चेंटिंग करके, वही पैरेलल राइट साइड से आप स्पाइन के सारे सारे उसको नीचे उतार दोगे। देन लेफ्ट साइड योर लेफ्ट नोस्टल अगेन ओपन, अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट राइट नोस्टल, ओम नमः शिवाय। मिस लेफ्ट राइट इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर हुआ आपको? ये मैं और समझाऊंगा आपको, मैंने बहुत सरल ढंग से समझाया आपको, इज इट क्लियर? देखिए ये आपकी चाबी है, ये बाहरी दुनिया से बाहरी ध्यान कनेक्ट विद द आउटर मेडिटेशन टू योर इनर मेडिटेशन, इट इज द की, राइट? एंड व्हेन, मेरे पास डायग्राम नहीं है श्री रमन, कल हमारा डायग्राम बना के रखना है ना, यू जस्ट चेक इट एंड आई जस्ट मेक द डायग्राम एंड मदर नोस्टल फादर दोनों बना के रखना। तो अभी हम जब स्पाइन के हम स्पाइन सीधा रखेंगे, अभी चूंकि अगर हम वे कैन नॉट सी नी द वज्रासन है ना, आप सुबह कर रहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, मतलब दोनों घुटने ऐसे रखकर, या पद्मासन में अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठ सकते हैं। उसका इंटेंशन केवल एक ही है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। जो थोड़ा बोर महसूस कर रहे हैं प्लीज बी विथ मी 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट और रह लिए मेरे साथ तो यू कैन फील अलग ही आनंद आएगा आपको, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वही मन तो हमारा कहीं भी जा सकता है, मैं यहां बैठा हूं, मैं अमेरिका जा सकता हूं, मैं लंदन जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। तो मेरे को अपने दोनों उंगलियां यहां पर रखनी है ना, लेफ्ट नोस्टल को ओपन रखना है, पूरा ध्यान मेरे लेफ्ट, आप मेरे को देख लें, लेफ्ट साइड आपको स्पाइन पे रखना है, कंफ्यूजन होगा रहने दे, आप फोन दे अपने आप सेटल हो जाएगा, लेफ्ट साइड द स्पाइन, वहां से आपको श्वास खींचना है, क्लोज चेस्ट, ओम नमः शिवाय, रिलीज बाय राइट नोस्टल्स विद द पैरेलल ऑफ योर स्पाइन। नाउ वी आर द एंड ऑफ स्पाइन इन द राइट साइड, नाउ अगेन ही अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट साइड with the parallel spine, Om Namah Shivaya, with spine parallel left side, okay, ये हम करेंगे अभी, okay, we will do it, है ना। अब देखो आपको कौन कौन से एलिमेंट आपके लाइफ में जुड़ रहे हैं आपको खुद को नहीं मालूम, लेकिन मैं जब खत्म होगा जब मैं आपको बताऊंगा, ओके तो मैं इसको मैं स्पीकर व्यू पे ले सकता हूं, यू कैन वॉच मी, है ना। एंड बस थोड़ा ध्यान रखना स्पाइन को, अगर ध्यान हो मन में कोई विचार आए, अरे यार समझ में नहीं आ रहा लेफ्ट साइड के साइड, करते रहना, ऑटोमेटिकली आपके शरीर में इतना पावर है कि आपको स्टेबल वो दे देंगे, सब्जेक्ट टू आपका स्पाइन थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, क्लियर। अब हम स्पाइन स्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, अपना वही शिखर आसन, दोनों हाथ ऐसे रख लें, यस, चेक इज इट पैरेलल और नॉट, अलोंग विद द डीप ब्रीथ, रिलीज द ब्रेथ एंड स्ट्रेच योर बॉडी टुवर्ड द स्काई। कल्पना करें आपको कोई ऊपर खींच रहा है, आपका स्पाइन अपने आप स्ट्रेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपका हाइट बढ़ा, अलाउ योर बॉडी स्ट्रेच और इनहेल लॉन्ग डीप ब्रेथ अलोंग विद द एक्सहेल, रिलीज योर बोथ हैंड, ओनली स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट,
both finger of the right hand. Keep the two fingers. Cover your right nostrils. Become aware of your tailbone. अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर ध्यान ले जाएं। कल्पना करें आपके नोस्ट्रल्स वहां पर हैं। लेफ्ट साइड ऑफ योर स्पाइन स्टार्ट इनहेलिंग विद द पैरेलल ऑफ स्पाइन। स्पाइन के सारे सारे लंबे गहरी श्वास खींचें। होल्ड ओम नमः शिवाय। स्पाइन के राइट साइड के सारे सारे इसको रिलीज करें। अगेन इनहेल फ्रॉम टेल बोन राइट साइड इनहेल ओम नमः शिवा। कवर राइट हैंड रिलीज लेफ्ट नोस्ट्रिल। Now again inhale by both left nostrils. Continue. Your left hand in the Sundar Mudra. Your left hand position, you must be in Sundar Mudra. Last. Now release your mudra. दोनों हाथ knees पर या thighs पर रख सुंदर मुद्रा नॉर्मल मुद्रा में रखें और दोनों nostrils से एक साथ tailbone से श्वास खींचें। Hold Om Namah Shivaya and release with the spine kisare.
on the spine, downside, exhale. Om Namah Shivaya. Again, inhale. Now relax. श्वासों को अपने आप चलने दें, शरीर स्थिर, मन स्थिर, पूरा ध्यान the front part of our nose. नोज की टिप पर अपना ध्यान रखें, शरीर स्थिर हो, स्टेबल बॉडी, detach from your breath, just keep attention on your mind, soul, become aware of left part of your tailbone, धीरे धीरे स्पाइन के सहारे ध्यान को, मन रूपी ध्यान को ऊपर लेकर आए, लेफ्ट नोस्ट्रल पर ध्यान रखें, राइट नोस्ट्रल्स के सहारे अपने माइंड को स्पाइन के राइट साइड लेकर जाएं, bring your mind on the tailbone, vertical from spine, upper side, second chakra, more upper, Manipur, more upper, heart, more upper, throat, third eye. Don't do anything. Up. Vishram kare. Relax the body. Mm-hmm.
पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। रिलैक्स योर स्पाइन, रिलैक्स द बॉडी, शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र पर। शिव ओम तत्सत् नमः शिवाय, 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 शिव ओम तत्सत् नमः शिवाय। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र रखते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। एक बार और, धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर नेम एंड बॉडी। अपने होठों के प्रति अवेयर होते हुए, बिकम अवेयर ऑफ योर लिप्स एंड विद पेरेंटल स्माइल, एक पितृभाव मातृभाव के साथ, एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आई। The glass of water, पानी का ग्लास भर दें। And drink the water।
डोंट वांट टू स्पीक, ऐसा लग रहा है कुछ बोले हम, जस्ट वांट टू कीप क्वाइट, अपने साथ रहना है हमें। जब भी अपने साथ रहने की इच्छा, वेन यू वांट टू बी विथ योरसेल्फ, गो लाइक दिस। नाउ एट प्रेजेंट नॉट रिक्वायर एनी थर्ड वन, योर नेम एंड योर सोल एलिमेंट इज इनफ। यस नो एग्रीड, देयर इज नो डिजायर, देयर इज नो पास्ट फ्यूचर, जस्ट यू वांट टू लिव विथ योरसेल्फ। तो माय डियर फ्रेंड्स, try to spend some time with yourself. I am very happy today everybody did the properly in the first time. A lot of sessions are required for that. Maybe aap agar spine ke left side se dhyan bhatakta hua aap shwas bhi le rahe hain, lekin aapne agar vichar bhi kiya na, to aap barabar aane wale kuch sessions mein left side se le loge, wapas right se sare श्वास को उतार भी दोगे। जिस प्रकार ये नोस्टल से पाइप है, नीचे से आएगा लिप तक आएगा, राइट से इधर से स्पाइन के सारे उतर जाएगा, फिर राइट से चढ़ेगा, फिर यहां से आएगा लिप से उतर जाएगा, बगैर कुछ करे आप कर लेंगे। और ऑटोमेटिकली जब दोनों नोस्टल्स आप करेंगे एक साथ में, तो बीच की जो स्थिति है, जो गुरु एलिमेंट वाली जो है मैंने आपको बताया, वो स्टार्ट वर्किंग टू कम अप, आएगी रुक जाएगी ड्यू टू द चक्रास ब्लॉकेज। हमें देखना है उसको कि कौन कौन सी चीजें हमारे हर्डल बन रही है। ये आपको मैंने बहुत पहले बता दिया है कि चक्रा में जो नेगेटिव आती है ना, जिसे आप फर्स्ट से चले, रूट से चले, रूट तो इजीली आप इनअप कर सकते हैं, सेकंड 70% ब्लॉकेज में ही रहता है। कुछ विचार आना, अच्छे विचार नहीं आना, उसको सरेंडर करना। और अगर धीरे से और ऊपर आए, नेवल, मैं बोल रहा हूँ ये चक्रा प्लानिंग ये वेरी इजी एक आपका स्वभाव है। जिस प्रकार हम शरीर को साफ करते हैं ना, कोई गंदा लगता है तो हम पैर को थोड़ा ज्यादा लगा लेते हैं, पर ऐसा है थोड़े आध्यात्मिक जगत में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। एवरीबडी विंडो शॉपिंग में ये चक्रा क्लीनिंग, ये आपका शरीर है यार, आप ही ने इसको गंदा किया और आप ही इसको सुधारोगे। थोड़ा गाइडेंस लगता है, जिस प्रकार टीचर लगता है वो बीच में आ गया। तो इसीलिए हमें बीच में जो सुकृष्ण नाड़ी है उसको हमने गुरु नाड़ी का नाम दिया। वो गुरु नाड़ी आपको ऊपर तक ले जाती है, वो परम पिता परमेश्वर से मिलाती है। और यह प्रोसेस का मतलब ये है कि हम ये भौतिक शरीर के साथ छोड़ साथ साथ हम उस परम पिता आत्मा को परम आत्मा से कैसे मिलाना, ये काम गुरु ही करता है। तो गुरु नाड़ी हमने नाम दिया। आप सब लोग बहुत अच्छे, यू आर वेरी एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, टाइम टाइम पे आप ऐसा सेशन लेते रहो, ज्वाइन करते रहो, भले कुछ समझ में नहीं आया तो भी छोड़ो, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जिस प्रकार बोलते ना जब किताब तो लेके बैठ मत पढ़ना, किताब तो लेके बैठ हम बताते ना बच्चों को, वैसे जस्ट सीट इन द सेशन, ऑटोमेटिकली योर बॉडी नीड्स ऑटोमेटिकली ठीक होगा। Anybody questions? किसी के बारे में any questions है? Very good, Saurabh. Just give the clay for Saurabh. We are ready to ask the question. Normally everybody think from their side. Yes, Saurabh. गुरु जी प्रणाम। Blessings. मेरा question है, जब मैं right nostril को बंद करता हूँ, तो left को कौन सी उंगली से बंद करना है? मतलब ये विलोम में what should be the, how should I close? लेफ्ट नोस्ट्रिल। देखिए पोजिशन आपका ये थंब है ना? हाँ। ये तो आपका कवर करेगा, राइट से लिया ना आपने, तो मैं ये दिखा अनुलोम में तो ठीक है। जब दोनों को, ये दोनों फिंगर्स आएंगे जो आपकी अर्थ की है और वाटर की है, ये दोनों फिंगर वर्क करेंगे। माय पोजिशन नोस्टल से लिया, ये दोनों को ऊपर उठाया, फिर लिया, ये दोनों फिंगर्स चलेंगे। दो फिंगर्स जो हमारी फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर है, ये हमारे सेंटर पॉइंट ऑफ थर्ड आइस पे रहेंगी, थंब एक तरफ रहेगा और बची हुई दो फिंगर दूसरी रहेंगी। क्लियर?
मतलब विलोम में थंब नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा, थंब नहीं रहेगा। ओके, थंब बाहर हो जाएगा ना, थंब से तो ओपन करना है अपने उसको। अब इसमें क्या आपको गर्दन भी सीधे रखना है ना, समझ लिया है ना? देखिए गर्दन भी सीधे, ये दोनों मैं थोड़ा आपको ऐसे बैठ के दिखा रहा हूँ, है ना? अब एक साइड मैंने बता दिया आपको, ये दोनों उंगलियां ये हमने रख ली, ये थंब से ये वाला इसका बदल, ये दोनों फिंगर से पहला लिया, कवर बाय बोथ फिंगर्स लाइक दिस, गॉट इट? अभी भी नहीं है समझ में, समझ में आया कि नहीं? सौरभ जी अंडरस्टैंड और नॉट? अभी नहीं आया तो मैं बताता हूं आपको, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ सौरभ जी क्लियर हो गया? हाँ गुरु जी क्लियर हो गया अभी। हमारा हाथ अपने आप सेट होगा, देखो ये दो फिंगर है फर्स्ट पे, हमारे कौन सा एलिमेंट की है दो, एक एयर एंड इसका एलिमेंट, ये हमारी थर्ड आइस पे रहेंगी, और जो फायर एलिमेंट है वो सन के साथ रहेगा, फायर एलिमेंट मीन सन, सन तो कवर करेगा, और जो हमारी अर्थ और वाटर एलिमेंट की फिंगर है ये हमारे मून नोस्टल्स को कवर करेगा, क्लियर? तो आपकी जो चंद्र नाड़ी है, जो मदर नाड़ी है, उसको कवर करेंगे आपकी अर्थ और वाटर एलिमेंट की फिंगर, टू फिंगर जो स्काई की है और एयर की है ये थंब पे रहेंगी, और जो फायर एलिमेंट का थंब है वो अपने सूर्य के साथ रहेगा। देखिए ईश्वर की लीला क्या बताई विद्या, देखो आपको ये थंब फायर एलिमेंट है, ये कंट्रोल किसको कर रहा, किसको कर रहा, सन को, और ये वाटर एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, ये दोनों कंट्रोल कर रहे मून नोड। क्लियर हो गया? Everybody understand? आप ये यूं मत करना कभी, don't do like this. Be straight. गर्दन आपकी सीधी होना चाहिए, ये आप जैसे गर्दन सीधे रखेंगे ऊपर करेंगे तो आप लॉक कर लेंगे, जैसे हमने कल बंद बताया ना, ये ऐसा नहीं करना। अब बी स्ट्रेट, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी, अटेंशन ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेलबोन, स्पाइन स्ट्रेट, एज्यूम यू आर इनहेलिंग फ्रॉम देयर, स्टार्ट विद द पैरेलल स्पाइन के सारे सारे पैरेलल नीचे से, होल्ड, कवर दिस लेफ्ट शोल्डर, ओह रिलीज फ्रॉम राइट साइड स्लोली स्लोली टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द स्पाइन, अगेन व्हेन यू रीच ऑन द टेलबोन राइट साइड ऑफ द टेलबोन, अगेन इनहेल फ्रॉम राइट साइड, मिस द सर्कल लाइक दिस, आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके? यस माय डियर फ्रेंड्स, एनीबडी हैव द प्रॉब्लम, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, यू कैन गिव मी कॉल एनी टाइम, अगर इफ यू आर फीलिंग हेजिटेट, आपको ऐसा लग रहा है हेजिटेशन लग रहा है कुछ, प्रतिभा कॉल कर ले, गुरु जी व्हाट्सअप कर दिया, गुरु जी मेरे को समझ में नहीं आया, देन आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप इसके साथ रहो, और ये आपको बातों बातों में मैंने आज के अंदर इतना गहरा गुरु ज्ञान दिया है। आप में से कितने लोग जब लेफ्ट नोस्टल से ले रहे थे तो उनको ठंडा लग रहा था, सर्दी टाइप लग रहा था, हाउ मेनी फील लाइक दिस? ये तो होगा, यस, आपको ऑटोमेटिक कोल्डनेस लगती है जब आप तेजी से सांस खींचते ना, तो ऐसा लग रहा है सर्दी से होते हुए ठंडक पड़ना लगता है, शरीर ही आपका ऐसा बना है, सूर्य गर्मी सभी, और आपके हाथ में है ये चीजें, गाड़ी का स्टेयरिंग ना जैसे शरीर का है, मेरी इच्छा होगी जाऊंगा मैं तो नहीं, तो ये तप है ना, ये तप वाले पोजिशन में है हम, और कल फिर एक नए अध्याय के साथ, एक नए ध्यान के साथ, एक नई तकनीक के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक आप खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, और पुनः अगेन मैं माधवी को देखता हूं तो मुझे दुबई की याद आती है, कंचन जी भी नहीं है शायद, दुबई की याद आती है,
एंड आई वॉज इन दैट दुबई लास्ट वेगस वेरी ब्यूटिफुली मैंने थोड़े ग्लिम्स दिखाए आपको. अब हमारा वर्चुअल होने वाला है सितंबर को. वीना जी बीच में हमारे वीना नारंग यू नो जस्ट ये सोल्स जो मिलती है ना अपने आप मिलती है. वन लेडीज मोहिनी द सिक्स सेवन लेडीज टू सी अटेंड वन एस्ट्रोलॉजर कन्वेंशन इन उज्जैन इन इंदौर एंड ऑल आर कम मेरे घर आई. सब ने डिजायर किया कि हमको उज्जैन जाना है. मैं हम सबको लेकर उज्जैन गए और उसके बाद से हम जुड़े हुए हैं. हम मिले नहीं बात अलग है लेकिन वीना जी को देख के बड़ा अच्छा लगा. वीना जी वुड यू लाइक टू से समथिंग इन द फ्रंट ऑफ ऑल. इट्स अवर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली. आई वेलकम यू इन अवर फैमिली. आप अनम्यूट करें अपना को. बोले हमारे परिवार में कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा जी. बहुत अच्छा है. बहुत बढ़िया लगा. बहुत बढ़िया. देखिए आपकी एस्ट्रोलॉजी के से भी कनेक्शन होता ना मून जी एंड जी सन का जी एंड जी तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनके ग्रोथ को जी जी. वीणा जी के साथ हमने मुलाकात भले ही नहीं हुई उसके बाद उज्जैन के बाद लेकिन अभी कनेक्शन बना है. हाँ जी बिल्कुल. मैसेज हम आते हैं वो मैसेज को पढ़ के कोई ना कोई आ जाते हैं. जी बोलो. सो एवरीबॉडी हर्ष ब्लेसिंग्स. सौरभ जी ने प्रश्न पूछा बड़ा अच्छा लगा. प्रतिभा जी यू जस्ट बी विथ योर सेल्फ डू द प्रोसेस. जो प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन ये इसको प्रैक्टिस जरूर करें आप शाम को और अपने प्रैक्टिस करने के बाद जस्ट लेट मी नो टुमारो. ओके thanks for you giving your time. Take care of yourself, take care of your smile. Don't forget 9th of August. Everybody working very hard. We want to collect more and more people, not beyond the country, beyond the religion, and collective consciousness. Ek saath ek sanyukt prarthana itni sari soul milkar karegi us param atma se. जो COVID-19 की जो महामारी चल रही है इससे हमारे मरीजों को भी मुक्ति मिले और साथ ही पूरे विश्व को इससे मुक्ति मिले. कल पुनः मिलते हैं 8:30 बजे. थैंक यू वेरी मच. ब्लेसिंग्स.